आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। मैं हमें पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा वर्ड रेक्टिफायर होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, तो जो हमारा टर्म रेक्टिफाइंग होता है, इसका मतलब होता है कि एसी इनपुट सिग्नल को आउटपुट डीसी सिग्नल में चेंज करना, जहाँ पे एसी का मतलब होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो जब हम कोई एसी में इनपुट सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफाइंग। और जो डिवाइस हमारा रेक्टिफाई करता है एक सिग्नल को, उसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टिफायर। तो ये होता है हमारा रेक्टिफायर। अब हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझते हैं। हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट होता है, वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये होती है हमारी क्या, प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। और ये होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या, सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। जो हमारा सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर है, इसका जो एक एंड है, ये हमारे डायोड डी से कनेक्टेड है। और जो हमारा डायोड का दूसरा एंड है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। किससे, लोड रेजिस्टेंस। और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस का एंड है, वो हमारा सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। प्राइमरी कॉइल से हम हमारा इनपुट सिग्नल इनपुट करते हैं, और जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है, वो हमें सेकेंडरी कॉइल के लोड रेजिस्टेंस से मिलता है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये होती है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होती है हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझेंगे दोनों साइकिल्स के लिए अलग अलग, कि हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की वर्किंग समझते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होता है, कि जो हमारा एंड ए होता है, वो पॉजिटिव होता है और बी नेगेटिव होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो हमारा एंड सी होता है, वो पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है। अब जो हमारा एंड सी है, वो क्या है, पॉजिटिव है। इस वजह से जो हमारा डायोड डी है, वो क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड है। इसीलिए हमारा जो करंट है, वो फ्लो करता है हमारे सेकेंडरी कॉइल में, जिस वजह से हमें आउटपुट मिलता है थ्रू डायोड डी। तो अब इसी को हम फिगर में देखेंगे कि सपोज़ हमारा एंड क्या, ए पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉइल्स के बीच में हमारी म्यूचुअल इंडक्शन होगी, जिस वजह से जो हमारा एंड सी है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और डी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारा जो सी है, ये क्या है, पॉजिटिव है। इस वजह से जो हमारा ये डायोड होगा डी, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड पे आ जाएगा। अब ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, इसीलिए हमारा सर्किट में करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बाइज के केस में, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है या फिर बहुत कम होता है, इसलिए हमारा करंट फ्लो करेगा। तो इस वजह से हमें हमारा एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा हाफ वेव पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पर। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो हमारा एंड ए होता है, वो नेगेटिव होता है और एंड बी क्या होता है, पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन हमारा जो एंड सी होता है, वो नेगेटिव हो जाता है और डी क्या होता है, पॉजिटिव। अब जो हमारा एंड सी है, वो नेगेटिव है, इस वजह से जो हमारा डायोड डी होता है, वो किस पे आ जाता है, रिवर्स बाइस पे। ठीक है, इसी वजह से हमारा कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता, इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। अब हम यही चीज़ सर्किट को देख के समझेंगे। ये हमारा सर्किट है नेगेटिव हाफ साइकिल में, जो हमारा एंड ए होता है, वो नेगेटिव हो जाता है और एंड बी होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अब वही म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो हमारा एंड सी होता है, वो नेगेटिव होता है और डी पॉजिटिव हो जाता है। ये जो हमारा डायोड डी है, ये किस पे आ जाता है फिर, रिवर्स बाइस पे। ठीक है, अब ये रिवर्स बाइस पे आ गया। रिवर्स बाइस पे हम जानते हैं रेजिस्टेंस कितना होता है हमारा, इन्फिनिटी होता है, इस वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं करता है।
अब जब सर्किट में हमारा करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये हमारे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये होता है हमारा आउटपुट जब हम एक इनपुट सिग्नल को हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू पास करते हैं। ये थी हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।